हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज हमारे सामने खड़े हैं अशोक लेलैंड के आर्मी ट्रक जो कि है अशोक लेलैंड 1015 HE। आज मैं आपको इस वीडियो में अशोक लेलैंड 1015 HE आर्मी ट्रक की पूरी वीडियो दूंगा। मैंने पहले भी टाटा के आर्मी ट्रकों की वीडियो बनाई थी जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अशोक लेलैंड के आर्मी ट्रक। आज मैं आपको इस वीडियो में इनकी पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंजन के बारे में, इसके केबिन को भी दिखाऊंगा, इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। अभी थोड़ी सी हवा तेज चल रही है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं थोड़ा बारिश वाला हुआ है, तो थोड़ी सी विंड नॉइज आए तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके इसकी डिटेल देता हूँ। ये इसकी सामने से लुक अशोक लेलैंड 1015 HE की। फ्रंट की लुक की बात करें तो ऐसे आपको सामने से लुक मिलती है, यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड का लोगो मिलता है, यहाँ पर आपको लेलैंड का लोगो दिया गया है, उसके ऊपर आपको अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग मिलती है और काफ़ी बड़ी आपको विंडशील दी गई है, उसको आपको क्लीन करने के लिए दो आपको वाइपर मिल जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े, यहाँ पे आपको हैंडल दिए गए हैं, ऊपर आपको बीच में मिरर मिल जाता है जिससे कि ड्राइवर नीचे का देख सके, ऊपर भी आपको लाइटें मिलती है जो कि रात में ग्लो करती है। और फ्रंट के बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में लोहे का पूरा बम्पर मिलता है, उसके नीचे आपको सेफ्टी के लिए एक और बम्पर मिलता है जिससे कि छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो गाड़ी इसके नीचे नहीं जाए। ये गाड़ियाँ ऑर्डर पे ही बनती है स्पेशली आर्मी के लिए। यहाँ पे आपको मॉडल की ब्रांडिंग दी गई है अशोक लेलैंड 1015 HE। इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है 11,111 kg। यह और साइड की लुक ऐसे आपको साइड से लुक मिलती है। अगर मैं टायर को दिखाऊँ तो काफ़ी बड़े आपको यहाँ पर टायर मिल जाते हैं 8.25-16 inch के। यहाँ पे इसका एयर फिल्टर मिलता है। अगर मैं इंजन की डिटेल दूँ तो 3839 cc का आपको इंजन मिलता है जो कि आपको 150 HP की पावर निकाल कर देता है। यहाँ से इसका एयर इंटेक किया गया है, यहाँ पर आपको इसका डीजल टैंक मिल जाता है। 6 चक्कों का यह आर्मी ट्रक है, पीछे भी सेम यही खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पीछे भी सेम यही खड़ा हुआ है। ये इसकी रियर से लुक, ऐसे आपको रियर से लुक मिलती है इस आर्मी ट्रक की। हिंदुजा ग्रुप लेकर मिलता है, LED में आपको रियर में टेल लैंप मिलती है, रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बम्पर मिलता है और यहाँ पे आपको हुक मिलता है आर्मी के लिए, ये तो चाहिए होता है बाई चांस गाड़ी फंस जाए, कोई और गाड़ी फंस जाए निकालनी हो तो। यहाँ पर आपको नीचे स्पेयर व्हील मिलता है। अगर मैं इसको अंदर से दिखाना चाहूँ तो अभी तो यह पूरा पैक है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको अंदर से लुक मिलती है। अभी ये पैक है, इस साइड से मैं आपको लुक दिखाता हूँ। इस साइड में आपको AdBlue का टैंक मिलता है, ब्रेक है, गैस की टंकियाँ मिलती है, यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह दी गई है। इकोमेट स्टार की साइड में आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इंजन की बात करें तो 3839 cc का इंजन मिलता है। अभी मैं आपको अंदर से इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसके ड्राइवर से मैं आपको मिलवाऊँगा। ऐसा इसका ड्राइवर साइड डोर दिया गया है, यहाँ से चढ़ना होता है ड्राइवर को। अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ऐसे आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है काफ़ी बड़ी, और ये इसका मीटर पूरा आपको डिजिटल वे में मीटर दिया गया है जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज का मीटर, टेम्परेचर का मीटर, सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे इसके वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ से आप इसमें हॉर्न बजा सकते हैं, लाइटें जला सकते हैं। ये इसका बीच का केबिन, ब्लोअर मिलता है, यहाँ पे 1000 lamp की स्विच मिलती है, हेडलाइट लेवल हो गया, 12 volt के सॉकेट वगैरह USB आपको यहाँ पर बीच में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको इसका गियर मिलता है, 6 speed का मैनुअली आपको ट्रांसमिशन दिया गया है, और ड्राइवर के साइड में 2 जने आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर आपको LED में लाइट मिल जाती है, और ये इसके काफ़ी बड़े बड़े आउट से मिरर, ड्राइवर के साइड में 2 जनों के बैठने की पूरी व्यवस्था मिलती है। अशोक लेलैंड का आर्मी ट्रक, पीछे भी सेम एक ट्रक खड़ा हुआ है। आप देखते हैं तो पूरा काफी अच्छे कपड़े का यूज किया गया है,
वाले को दिखाऊं तो ये भी सेम ही है। इस गाड़ी के बारे में सर कुछ बताइए। सर थोड़ा सा हमारे इस गाड़ी के बारे में बता दीजिए नॉर्मल। मैंने तो ये किस काम में आती है, इसका मॉडल कौन सा ये बता दो। ये न्यू मॉडल है जी 2024 का। और ये बढ़िया इकोमेट बोलते हैं इसको, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया माइलेज। अशोक लैंड इकोमेट 10-15। हाँ, बढ़िया गाड़ी है सर, ये चलने में भी सब तरह में। तो आर्मी में ये सामान लाने में ले जाने में काम आती है। हाँ, काम आती है। पीछे इसमें सीट वगैरह सारी सुविधा और सीट भी है, मतलब सामान भी ले जा सकते हैं, पूरी सामान पूरी फैसिलिटी। और आर्मी के जवानों को भी ले जाया जा सकता है। आर्मी के लिए जवानों को पूरा सामान को हर चीज की सुविधा है इसका। अंदर पीछे पीछे पे क्या हुआ है, अंदर से आप खोल के देखोगे तो इसकी बॉडी वो आप खोल के बता सकते हैं सर। उसको खोलने में टाइम लगेगा। हाँ नहीं, उसमें पूरी सीट वगैरह सामान पूरी व्यवस्था लौटने सीटें वगैरह सारी मिल जाती है। दोनों साइड में सीटें सारी फैसिलिटी इसके अंदर, लाइट वगैरह सर सब कुछ है। मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल अंदर सीटें लगी हुई है। हाँ जी, आर्मी के लिए इस वजह सीटें लगी हुई इसमें, बिल्कुल एक सुरक्षित जवान साथ में जा सकते हैं। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। और ये कलर भी स्पेशली आर्मी ग्रीन कलर ही है, अगर आप देखेंगे तो। अगेन मैं आपको रियर से भी इसको दिखा देता हूँ। स्पेशल आर्मी का ये कलर है। अगर मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ से खोलने में इसको टाइम लगेगा, नहीं तो मैं आपको अभी आपको खोल कर दिखाई देता हूँ। प्रॉपर दोनों साइडों में सीटें लगी हुई है, जो कि आपको कैमरे में दिखी होगी। ऊपर आपको पूरी एलईडी में लाइटें वगैरह मिल जाती है। और बीच में सिपाहियों का सामान भी आसानी से रखा जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है।